जनपद संभल के चंदौसी में एक अजीब ही मामला सामने आया है, जहां पर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 9 के सभासद विमल कुमार उर्फ पप्पू चौधरी ने नगर क्षेत्र में अपनी अलग ही तरह की फ्लैक्सी लगवा रखी है, जिस पर लिखा है कि गणेश जी महाराज की रथ यात्रा में आए सभी भक्तों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि नगर पालिका परिषद की अनदेखी के कारण पथ प्रकाश और सफाई की व्यवस्था न करा पाने के कारण मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल कुमार चौधरी है, मैं वार्ड नंबर 9 का सभासद हूँ। आपकी शहर में फ्लैक्सी लग रही है, माफ़ी मांगते नजर आ रहा है, क्या मामला है? क्या करूँ, पब्लिक से माफ़ी नहीं मांगू तो क्या करूँ भाई? इन जो चेयरमैन साहबा ईओ कुछ करने को तैयार नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मचा रखा उन लोगों ने, जगह जगह लूट बचा रखी है, जो वही काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें कमीशन पूरा मोटा आ रहा है, बाकी और कोई काम नहीं, ना कोई गड्ढे भरे गए सही करके, ना कोई सफाई व्यवस्था है, ना कोई जो खंभों पर लाइटों की व्यवस्था है वो भी सही नहीं है, मेला लगा हुआ है जो साल में एक बार लगता है, लाखों लोग परदेसी आते हैं यहाँ पर, लाखों लोगों की संख्या में ये लोग आते हैं और सब क्या है, सब बुरा हाल कर रखा है, रोज़मर्रा में तो है ही, कम से कम ये मेला दशहरा तीज त्यौहार पर तो आदमी कम से कम ढंग का साफ़ सफाई और ये सब चीज़ करा दी तो कितना बड़ी लगेगा। पिछले दिनों आपने अनशन भी किया था? अनशन तो बराबर चल रहा है मेरा, तो अनशन ही अनशन है, क्या है, मैं दो दफ़े अनशन कर चुका हूँ, कई दफ़े ऊपर लिखित शिकायत मुख्यमंत्री जी को भेज चुका हूँ, अभी महेश गुप्ता जी को दिया है इसका, यही इसी मैटर में शिकायत, कोई सुनने वाला नहीं है। भाजपा राज्य है, भाजपा राज्य में सिर्फ ये भाजपा की चेयरमैन है, इसलिए इनके खिलाफ कुछ नहीं हो पा रहा, अगर ये कहीं अदर किसी पार्टी से चेयरमैन होती तो सुनता, या अदर पार्टी ऊपर कोई होती तो कोई सुनता, वरना तो भाजपा के जो योगी जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम ईमानदारी, मुझे नहीं लगता कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अकेले मेंबर हैं जो मेंबर तो बहुत है, 25 मेंबर हैं, जिसमें 3-4 और ऐसे मेंबर वो कहते हैं भैया बोल के करें क्या, कोई फायदा नहीं, पब्लिक इधर पब्लिक परेशान कर रही है, उधर ये लोग नहीं सुन रहे, करें क्या बोल के, कुछ बिकाऊ है उसका क्या कर सकते हैं मेंबरों को। मैं तो बोर्ड की मीटिंग में आपने कभी आवाज़ उठाई? बोर्ड की मीटिंग में बराबर उठाई, आप हमेशा देख लीजिए सारे अखबारों को आज तक खंगाल के देख लीजिए, आज तक की न्यूजों को खंगाल के देख लीजिए, हर वक्त कोई बात करी, सारे धांधलेबाजी से मीटिंग की जाती है, मिनट बुक का एक पल को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आगे क्या करेंगे, इस तरह से चलता रहा? आगे क्या करेंगे, बराबर आंदोलन करते रहेंगे, कभी तो कोई आगे अच्छा कोई तो एक ईमानदार अधिकारी, ये बस हमारे से नगर में इतने बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, इन लोगों के पास रोज न्यूज पहुंचती है, मगर कोई करने वाला कुछ क्या नहीं है। डीएम साहब से शिकायत की? सबको शिकायत भेजी, सबको भेजी लेटर, मैंने सबको भेजी है, डीएम साहब को, मंडल आयुक्त को, मुख्यमंत्री को, नगर विकास मंत्री को, सबको भेजी है। क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं, वो सब बस्तर में पड़े हैं, जीरो है, पड़ा रहेंगे बस्ते में, जब तक सरकार भाजपा की रहेगी यही बिस्तर में पड़े रहेंगे, सरकार बदले या फिर जो है यहाँ का चेयरमैन बदले तब सब सुनवाई शुरू हो जाएगी।